मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा हमारा विषय रहेगा कौन सी क्लास में? सेवन्थ क्लास में। तो सेवन्थ क्लास का विषय है महाभारत का विषय, जो कि लगातार वीडियो में आपको दे रही हूँ महाभारत के विषय में। और महाभारत का जो है अब अंतिम लेसन, यानी कि लास्ट सेकंड लेसन है आपका 39 लेसन, यानी कि 39वां जो है ये लेसन है आपका। और 39वां लेसन जो है, क्या नाम है इसका? पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। तो जैसे जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हो ही गया था, तो उसके बाद जो है युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से मिले, यानी कि पांडव जो थे वो किससे मिले थे? धृतराष्ट्र से मिले थे, और माता जो है गांधारी से भी मिले थे। और युधिष्ठिर जो है महाभारत युद्ध के बाद जो है अत्यंत परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया था, एक तरीके से कौरवों को, जो उसके तातश्री के बेटे थे। तो इस कारण जो है वो बहुत ही दुखी थे वैसे पांडव, और उनका अपना वंश भी जो है एक तरीके से समाप्त ही हो गया था। एक जो है अभिमन्यु के पुत्र बचे थे, जो कि वे उत्तरा के कोख में थे, और उनका जो है उत्तरा ने बाद में एक परीक्षित जो है बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। तो महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद जो है पांडवों को ये भी मालूम हुआ था कि उनका जो कर्ण है वो उनका अपना ही भाई है, यानी कि कुंती से उत्पन्न सूर्य पुत्र है। तो ये भी जो है जब कर्ण का अंतिम संस्कार फिर जो है पांडवों ने किया था, किसका? कर्ण का अंतिम संस्कार भी पांडवों ने बड़े इज्जत और सम्मान के साथ किया गया था। तो आज जो है हम 39 लेसन में पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार के बारे में जानकारी देंगे। और उसके बाद जो है जब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए, तो सबसे पहले जो है धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि भीम ने जो है दुशासन की छाती पाड़कर जो है उसका लहू पिया था, और जो है पांचाली के केस भी उसमें धोए थे। तो धृतराष्ट्र को जो है संजय एक तरीके से युद्ध सारा दिखा ही रहा था अपनी आंखों के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति ग्लानी थी, जो उसको वो दूर करना चाहता था। उसके मन में जो है एक आक्रोश, गुस्सा भरा हुआ था धृतराष्ट्र के, कि धृत जो है दुशासन को इसने इस हालत में, उसकी हालत की थी कि छाती पाड़कर उसकी छाती का लहू पिया था। तो इस कारण जो है धृतराष्ट्र बहुत ही परेशान थे, और सबसे पहले जो है धृतराष्ट्र ने भीम को अपने समक्ष बुलाने की इच्छा प्रकट की। तो श्री कृष्ण जो है आत्मा को और सभी मन के जो है भावों को वे जानते थे, तो उन्होंने जो है लोहे से जो है एक भीम का पुतला तैयार करवाया, और उसको जो है जब धृतराष्ट्र ने अपने पास बुलाया, तो वो जो लोहे का पुतला था वो धृतराष्ट्र के सामने जो है प्रकट कर दिया गया। तो जैसे ही धृतराष्ट्र ने भीम समझकर उस लोहे के पुतले को जो है एक तरीके से हाथ की खुंची भरी, तो उससे जो है उस लोहे के पुतले के चूर चूर हो गए, यानी कि सारी ताकत जो धृतराष्ट्र की थी वो उस लोहे के पुतले में, उसके धृतराष्ट्र के लिए तो वो भीम था, यानी कि अगर उस समय लोहे के पुतले की जगह भीम अगर होते तो भीम की मृत्यु हो गई होती। तो अर्जुन जो है इसमें श्री कृष्ण जी को पता होने के कारण जो है उन्होंने वो लोहे का पुतला वहाँ पर रख दिया था कि जिससे भीम की मृत्यु ना हो।
तो बाद में जो है धृतराष्ट्र शोक उत्पन्न करने लगे कि मैंने जो है भीम को मार दिया है। तो उसमें श्री कृष्ण युधिष्ठिर ने कहा था कि भीम नहीं था, ये भीम का पुतला था। तो उस पर उसके बाद जो है उसने सांत्वना दी गई उसको, धृतराष्ट्र को, और उसका जो है गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया और वे जो है शांत स्वभाव में हो गए। उसके बाद यानी कि पांडवों ने राजकाज तो संभाल ही लिया था, परंतु जिस संतोष और सुख की उन्हें, किनको, पांडवों को, जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा की थी कि हम सुखी रहेंगे सारा सब कुछ ऐसे, तो वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उनका वंश ही एक तरीके से बेटा क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, वंश नहीं रह गया। तो उनकी इच्छा उस शासन को करने की क्या होगी, है ना। तो उस वंश के ख़त्म होने के बावजूद जो है कौन, यानी के पांडव युधिष्ठिर और अपने भाइयों को जो है, वे युधिष्ठिर जो थे कहाँ जाना चाहते थे, यानी के वनों में प्रस्थान करना चाहते थे, क्योंकि वे इतने परेशान हो गए थे कि मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों से जो है मेरी सेना के द्वारा जो है मेरा सारा कुटुंब मारा गया है। तो इसलिए जो है वे अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि वे धृतराष्ट्र को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचने देंगे, कि भले ही धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मना ना किया हो, लेकिन वो अपने राजकाज में जो है धृतराष्ट्र को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। भीमसेन को छोड़कर बाकी सभी भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का मन से पालन किया करते थे, और भीम कभी कभार धृतराष्ट्र को और गांधारी का हृदय दुखाने वाली बात कह दिया करते थे। बाकी सारे भाई जो थे वो क्या करते थे, मन से इज्जत करते थे, मन से उनका लालन पालन करते थे। तो उसमें जो है भीम जो है गुस्से वाला था, तो वो कभी कभी उनका दिल दुखा दिया करते थे, क्योंकि उन्होंने जो है बेटा भीम और पांडवों ने काफ़ी कष्ट सहे थे, तो वो कभी कभार उनके मन से निकल जाता था। भीम की बातों से उन्हें कष्ट तो पहुंचता था, परंतु वे उन्हें जैसे तैसे कर लिया करते थे, सहन कर लिया करते थे। कौन, धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी। एक दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से वन जाने की अनुमति मांगने आए, क्योंकि उस समय जो था बेटा बाद में कौन उत्तराधिकारी बन गया था, यानी कि युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर का राजा नियुक्त कर दिए गए थे, यानी कि युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर के राजा बन गए थे। तो इसके जो है कुल, यानी कि अपने कुल को परंपरा का हवाला देकर और विदुर व कृपाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को समझा बुझाकर वन जाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। किसने, युधिष्ठिर ने स्वयं अपने आप भी वन जाने की इच्छा प्रकट की, और धृतराष्ट्र ने भी अपने कुल की परंपरा का हवाला देकर और विदुर व कृपाचार्य और युधिष्ठिर को समझा बुझाकर वन जाने की उनसे अनुमति मांगी। किसने, धृतराष्ट्र ने। कुंती भी वन गई। युधिष्ठिर ने कुंती को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं मानी। कुंती भी जो थी उनके साथ साथ वन को गई थी। किनके साथ साथ, युधिष्ठिर, गांधारी और हाँ। तो यह सुनकर जब कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा, किसने कहा, ये धृतराष्ट्र ने कहा था। किनको कहा था, पांडवों को कहा था कि अब जो है मेरे मन में ऐसा है कि मैं वन में जाकर जो है तपस्या करने की इच्छा है। किसने कहा था, ये धृतराष्ट्र ने कहा था।
तो तुम्हारे साथ में इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरा सेवा सुशर्मा करते रहे। किसने कहा यह वन में जाते हुए? यानी कि धृतराष्ट्र ने, कि इतने सालों तक जो है तुमने मेरी सेवा भाव की है, लेकिन अब जो है मैं वन को जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अंजलि बंद होकर कांपते हुए खड़े हो गए। कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है दोनों हाथ जोड़कर ऐसे अंजलि अंजलि यानी कि ये बंद करके ऐसे हाथ जोड़ करके कांपते हुए धृतराष्ट्र के सामने खड़े हो गए कि महाराज मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है ना। तो वह सब कुछ बोल न सके। कौन? धृतराष्ट्र। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र जो थे आचार्य कृपाचार्य एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाए, क्योंकि युधिष्ठिर जो है उनको भेजना ही नहीं चाहते थे कि मेरे को जो है वन में जाने की अनुमति दिलाए। धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हो गए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई और गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। और इस तरह तीनों वृद्ध, कौन-कौन? धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, तीनों वृद्ध राजकुटुंबी थे, जो राजा की पत्नी थी, राजधानी की सीमा पार करके वन की ओर चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रहे हैं और वह संभल कर बोले, कौन जा रहे थे? युधिष्ठिर। किसको विदा करने के लिए? कुंती को, गांधारी को और धृतराष्ट्र को। कहाँ विदा करने के लिए? वन में विदा करने के लिए। तो थोड़ी दूर तक जो है विदा करने के लिए साथ जा रहे थे और वह संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है, तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम्ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भराया। भाई अपने को बिछुड़ते देखकर, अपने को घर छोड़ते देखकर तो किसका गला नहीं भरता। तो युधिष्ठिर का जो है बेटा गला भराया। किससे भराया? आंसू से भराया। किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही, वह नहीं मानी। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने तीन वर्ष तक, किसने? धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने और कुंती ने 3 वर्ष तक तपस्वियों का जो है जीवन व्यतीत किया और संजय भी उनके साथ था। संजय कौन था? जो धृतराष्ट्र को आंखों से दृश्य दिखा रहा था, अपनी अंतर्दृष्टि से जो दृश्य दिखा रहा था। तो आज जो है बेटा मैंने आपको बताया लास्ट सेकेंड यानी के 39 लेसन और पांडवों और धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, क्योंकि पांडवों ने जो है धृतराष्ट्र के प्रति कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो अपने किए हुए कार्य पर उसका जो है वहाँ पर तपस्या करना चाहता था, यानी कि मुक्ति पाना चाहता था वहाँ पर। तो इस प्रकार जो है ये मैंने आपको कराया आज लेसन 39।
तो आज के लिए ये इतना ही. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. लेसन 39 यानी कि 49 लेसन आपका कंप्लीट हो गया.